नमस्ते। और आज हम रीडिंग करने वाले हैं यस और नो। जो भी आपके मन में सवाल है, आपको वो सवाल अपने मन में दोहराना है और इसमें से एक पाइल आपको सिलेक्ट करना है। आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है और इसमें से एक पाइल सिलेक्ट करना है। जिस भी शक्ति को आप मानते हो, उस शक्ति को प्रे करना है। अपने सवाल को अपने मन में दोहराना है बार बार, और फिर इसमें से एक पाइल आपको सिलेक्ट करना है। तो जिन्होंने भी चुना है पाइल नंबर 1, देखते हैं आपके सवाल का जवाब क्या है। क्या कुछ मैसेज आया है आपके लिए यहाँ पर, क्या गाइडेंस है और आपके सवाल का जवाब क्या है। सबसे पहले आपके सवाल का जवाब यस है। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, आप में से बहुतांश लोग ऐसे ही हैं कि आप कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप कब से कुछ ऐसे, चाहे इमेजिनेशन, चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, आपका ये जो मैनिफेस्टेशन है वो वर्क करने जा रहा है। यहाँ पर तो एम्प्रेस की एनर्जी है कि आपका जो भी सवाल है, चाहे वो पैसों को लेकर हो, चाहे रिश्तों को लेकर हो, चाहे जॉब को लेकर हो, चाहे ग्रोथ को लेकर हो, आपके सवाल का जवाब है यस। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि आप शादीशुदा हो और आपने कुछ बेबी के लिए कुछ सवाल किया हो, चाहे शादी को लेकर हो, रिश्तों को लेकर हो, पैसों को लेकर हो, 100% यस आंसर यहाँ पर आ चुका है। देखते हैं आपके लिए क्या कुछ गाइडेंस है। और जिस तरह से आप एनर्जाई है, आपको हेल्प करने वाले भी मिलेंगे। अगर कुछ हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली आपके लाइफ में अब ऐसे लोग आएंगे जो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे, जैसे कि एंजल का भी सपोर्ट आपको मिलने वाला है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे हो। हो सकता है कि आपका कोई सपना है और उस सपने को पूरा भी करना है आपको, लेकिन हो सकता है एक तरफ आप अपने कंफर्ट जोन में अटक गए हो। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आप तैयारी भी बहुत कर रहे हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट भी बहुत कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो कॉन्फिडेंस नहीं है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं हो। आपका जो भी सवाल है उसका आंसर तो यस है। पूरी हिम्मत के साथ आपको आगे बढ़ना है। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो भी ड्रीम है वो कंप्लीट होने जा रहा है। आपकी जो भी विश है, यहाँ पर विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, इच्छा पूर्ति की ही एनर्जी यहाँ पर आई है। अगर आप अपने ऊपर थोड़ा काम करते हो, अगर आप अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलते हो, डेफिनेटली जो भी आप सोच रहे हो आपका काम बनेगा। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि छोटे छोटे रिस्क उठाने के लिए भी आप बहुत ज़्यादा डरते हो। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन हाँ, आप रिस्क लेने में डर रहे हो, हिम्मत नहीं कर पा रहे हो। चाहे रिश्तों में आपको किसी के लिए स्टैंड लेना हो, खुद के लिए स्टैंड लेना हो, कुछ भी, हर किसी के लिए वो अलग बात है। चाहे बिजनेस में आप कुछ करना चाहते हो, जो भी आपका सपना है, आपको यहाँ पर पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। फियर से बाहर निकलने के लिए भी कहा जा रहा है। कुछ फियर, कुछ डर आपके मन में हो सकते हैं कि आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। आप आगे बढ़ना चाहते हो, फिर डर आपको घेर लेता है और फिर आप पीछे हट जाते हो, तो ये आपको नहीं करना है। आपको डर से बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये वक्त ऐसा है कि जो कुछ भी आप चाहते हो, आपको उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। इच्छा शक्ति के जोर पर आप सब कुछ हासिल कर सकते हो जो आप चाहते हो। हेल्प तो आपको मिलने वाली है, तो परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया हो। हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी चुना है पाइल नंबर 2, आप बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक पर्सन हो सकते हो। आपकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव हो सकती है। हो सकता है आप जो इमेजिन करते हो, आप जो मैनिफेस्ट करते हो, आपका मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी वर्क कर जाता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं, इमोशंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी होता है। हो सकता है तब आप बहुत प्रैक्टिकल बन जाते हो, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, मल्टी टैलेंटेड हो आप, और आप बहुत ज़िंदगी में आगे भी बढ़ने वाले हो। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज यहाँ पर आए हैं। कम लोगों के साथ ऐसा रेजोनेट हो सकता है कि आप किसी को डिपेंडेंसी में हो सकते हैं।
आप किसी इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो सकते हो, चाहे वो इमोशनली हो चाहे फाइनेंशियली हो। आपको दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। कुछ तो ऐसे हालात है जहाँ पर आपका लेट गो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ऐसे इंसान हो जो दिल के बहुत अच्छे हो, लेकिन कभी या तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो या तो कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हो। तो सबसे पहले तो आपको खुद को ही बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। कुछ तो ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पर आपको लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। आपने खुद भी ये महसूस किया होगा कि जब भी आप बहुत किसी बुरे सिचुएशन में होते हो, अपने आप कोई ना कोई हेल्प करता है आपकी। और अभी भी यहाँ पर वही एनर्जी है कि अगर आपको किसी से हेल्प चाहिए तो वो हेल्प आपको मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन कोई तो ऐसी बात है, कुछ तो ऐसा है जहाँ पर आपको लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर है चेंज, आपको डेस्टिनी का साथ मिलेगा। कुछ तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आने वाला है। और आपके सवाल का जवाब, डेफिनेटली आपके सवाल का जवाब यहाँ पर यस है। आपका इंट्यूशन ज़बरदस्त हो सकता है, आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह इन बातों में बहुत ट्रस्ट करते हो और वो आपके लिए वर्क भी करेगा। अगर आप नहीं कर रहे हो मैनिफेस्ट वगैरह तो आपको करना चाहिए। जिस तरह से यहाँ पर चेंज की एनर्जी है, हो सकता है बहुत दिनों से कुछ या तो ऐसी कुछ चीज़ें घटित हो रही हैं कि जहाँ पर से आपको निकलना बहुत मुश्किल जा रहा था। इमोशनली आप अटैच हो किसी के साथ, ऐसा भी हो सकता है। या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बनने में आपने रिश्ते को खो दिया है, ऐसा भी हो सकता है। या आप इमोशनली बहुत डिपेंड हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह से आप एनर्जी है, हालात बदलेंगे, आपके सवाल का जवाब है यस। इस वक्त हो सकता है कि आपके जीवन में जैसे कोई तूफान सा है, आप जानते हो ये तूफान गुजर जाएगा, फिर भी कहीं ना कहीं आप चिंतित हो। लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो वक्त है वो बदल रहा है। इस दुनिया में अगर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण कोई चीज़ है तो वो है परिवर्तन, ठीक है। परिवर्तन तो आना ही आना है, बदलाव तो होना ही होना है। वक्त एक जैसा नहीं रहता है, आज जो है वो कल नहीं रहने वाला, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। जन्म है तो मृत्यु है, सफलता है तो असफलता भी है, और असफलता है तो फिर सफलता भी है। तो ये चेंज, ये जो बदलाव है वो आना ही आना है। तो बदलाव से क्या डरना, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। जबकि आपको पता है कि ये वक्त गुजरने वाला है, जबकि आपको पता है कि अगर कोई तूफान भी है आपके जीवन में तो वो तूफान भी गुजरने वाला है, ये कायम नहीं रहने वाला। तो चिंता का विषय है ही नहीं। आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव सोचोगे उतने ही ज़्यादा आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करोगे। जिस तरह से आप एनर्जाई है, आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि किसी दिन तो आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हो, आप बहुत खुश रहते हो, आपको ऐसा लगता है कि ईश्वर की बहुत कृपा है आपके ऊपर। और दूसरे ही दिन आप बहुत दुखी होते हो, आपका मन बहुत रोने को करता है, आप डिप्रेस हो जाते हो। किसी के लिए तो यहाँ तक आप सोच लेते हो कि आप ज़िंदगी से ही आप तंग आ जाते हो। आपको ऐसा फील होने लगता है कि आप क्यों जी रहे हो, इतने ज़्यादा निगेटिव थॉट्स आपके मन में आते होंगे। और दूसरे दिन फिर आप पॉजिटिव हो जाते हो। तो ये बहुत ज़्यादा आपके थॉट्स हैं, उसमें भी बहुत बदलाव आ रहा है। जो भी चीज़ें ऐसे जो आपको दुख दे रही है, उससे लेट गो करना ज़रूरी है। आप एक ऐसे व्यक्ति हो कि अगर आप डिसाइड करें तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। इसमें सबसे बड़ी पावर पता है क्या है, आपकी अच्छाई। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी कि आपको कुछ बातें मन में रखने की ज़्यादा आदत हो सकती है, चाहे कोई दर्द हो आप मन में छुपा लेते हो, बोलते नहीं हो। जिनके साथ आपको दिल की बात बोलनी चाहिए, आपके जो अपने हैं आप उनके साथ भी बोलते नहीं हो, मन ही मन में कोई दर्द आप छुपा रहे हो। ऐसा जो भी दर्द है, जो भी तकलीफ है, उससे आपको लेट गो करना है। आप एक ऐसे इंसान हो जो जहाँ पर भी जाते हो बस सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हो। तो आपको पसंद करने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा है, और जैसा कि आपको पसंद करने वाले लोग बहुत ज़्यादा है, उसी तरह आपसे जेलसी रखने वाले, ईर्ष्या करने वाले लोग भी ज़्यादा हो सकते हैं। खुद को ऐसे नेगेटिव एनर्जी से आपको प्रोटेक्ट करना है, अपने आप को जितना हो सके ऐसे लोगों से दूर रखना है और पॉजिटिव रहना है। ये रही आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक एंड सब्सक्राइब। फाइल नंबर 3 जिन्होंने भी चुना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो इंट्यूशन है वो ज़बरदस्त है। अगर अपने इनर वॉइस को सुनते हो, अगर आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हो, तो ये आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, ठीक है। और देखते हैं, फ्लेक्सिबल रहने की ज़रूरत है आपको।
हो सकता है जो मैंने भी चुना है पायल नंबर 3, आप बड़ा संकोच करते हो, किसी के हेल्प लेने से भी संकोच करते हो, एडजस्ट नहीं करते हो। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप खुद होकर किसी से बात नहीं करते हो, जहाँ पर बात करने की ज़रूरत है वहाँ पर आप बोलते नहीं हो। आपको कोई हेल्प करना चाहता है तो ज़रूर आपको उनकी हेल्प लेनी चाहिए, वो किसी भी तरह की हेल्प हो सकती है, ठीक है। और थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, ब्रेक थ्रू सिचुएशन है यहाँ पर। डेफिनेटली कुछ बहुत ही बड़ा खास आपके जीवन में होने जा रहा है, कुछ ऐसा जो शायद आपने पहले कभी भी नहीं सोचा था। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते कि किसी दर्द में आप कब से थे, कोई तकलीफ थी, कोई टेंशन था, अब आपको ज़रूरत है उन सारे दर्द से, उस तकलीफ़ों से बाहर निकलने का, दूसरों की हेल्प लेने का, थोड़ा फ्लेक्सिबल होने का ये वक्त है, ठीक है। जिस तरह से आपने जो है, हो सकता है कुछ लोग नहीं, हो सकता है कुछ बातें मन के खिलाफ बहुत ज़्यादा आपकी हुई है, और जिस तरह से हालात है आपके जीवन में, सब कुछ अच्छा होने जा रहा है। आप एक न्यू बिगिनिंग करने जा रहे हो, आपके सवाल का जवाब यहाँ पर यस है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से एनर्जी है, हो सकता है कि आप जल्दबाजी में आकर कोई गलत डिसीजन ले, तभी यहाँ पर आपको अपने इंट्यूशन की सुनने के लिए कहा जा रहा है। और आपका इंट्यूशन ज़बरदस्त है, हो सकता है कभी कभी आप बड़े जल्दबाजी में आकर गलत डिसीजन ले लेते हो। आपके आसपास रहना हर किसी को बहुत हैप्पी फील होता है, ऐसा भी हो सकता है। जिस तरह से आप एनर्जी है, कोई ना कोई ऐसी बात है जहाँ पर आपको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत है, और थोड़ा फ्लेक्सिबल तो आपको होना पड़ेगा। शांत रहकर आपको रिजल्ट देखना है, क्योंकि यूनिवर्स या आप जिस भी शक्ति को मानते हो, वो शक्ति आपके लिए काम करेगी। यूँ कहो कि एक छोटे बच्चे जैसे मासूम हो सकते हो आप। हो सकता है किसी किसी के लिए आपकी अच्छाई का फ़ायदा भी उठाया गया हो, हो सकता है कुछ लोग आपके आसपास जो है आपकी अच्छाई का, आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाते रहे, हो सकता है आपने बहुत परेशानी को भी झेला है। लेकिन देखो, कोई कितना भी किसी का बुरा करे, ईश्वर उसी का साथ देते हैं जो अच्छा है। तो आपने किसी का बुरा नहीं किया है, तो आपका चाहे जितना कोई बुरा करने की कोशिश करे, ईश्वर हमेशा ही आपके साथ है। वो हर किसी सिचुएशन से आपको बाहर निकालेंगे, कोई कितना भी बुरा करे आपके साथ। ब्रेक थ्रू की सिचुएशन है, किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें घटित हुई ही इसलिए है आपके लाइफ में। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, आज आप किसी गलत सिचुएशन में अगर हैं, तो आपको बड़ा दुख होता होगा इस बात का कि आप ऐसे सिचुएशन में क्यों हैं, आपके साथ ईश्वर ने क्यों गलत किया। तो हो सकता है ये सब कुछ जो कुछ भी आपके लाइफ में हो रहा है, ये होना ज़रूरी था। हो सकता है शायद आपके अंदर एक हिम्मत भरने के लिए, शायद आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि जिस तरह से आप एनर्जी है, हो सकता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए अब तैयार हो, लेकिन फिर भी आपको सावधान रहना है, ठीक है। और ईश्वर सब कुछ सही करेंगे। इतना भी सदा डर में नहीं रहना है आपको कि आप आगे बढ़ना ही भूल जाए। आप जो सफलता चाहते हो, उसके लिए आप जो वर्क करना चाहिए, जो मेहनत करनी चाहिए, वो ही आप ना करें, ऐसा तो आपको बिल्कुल भी नहीं होने देना है। आपको अपना काम करते रहना है। आपका भोलापन, आपकी सादगी, हर किसी को खलती होगी। लोगों को ये बर्दाश्त नहीं होता है कि आप इतने अच्छे क्यों हैं, वो गलत है, उनकी सोच गलत है, तो उनको लगता है कि आप इतने अच्छे कैसे हो। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ऐसा इंसान हो सकते हो आप, जो बहुत ज़्यादा इस दुनियादारी से इतने परिचित नहीं हो। कोई भी आपको धोखा दे सकता है, कोई भी आपकी ज़िंदगी में आकर आपके ही भोलेपन का फ़ायदा उठाकर आपको ही दर्द देकर चला जाता होगा। तो यहाँ पर जस्टिस होगा, आपको परेशान नहीं होना है। और आपका जो सवाल है, उसका आंसर भी यहाँ पर यस है। और आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं यहाँ पर कि आपने अपने जीवन में या तो पहले बहुत मुश्किलें देखी हैं, या अभी ऐसा कुछ चल रहा है आपके जीवन में कि जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि बस हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। इतनी ज़्यादा परेशानी को आपने झेला है कि एक होता ना कि नेगेटिविटी आ जाती है आपके मन में, फिर भी आप उस नेगेटिविटी को दूर कर देते हो, फिर से आप पॉजिटिविटी से भर जाते हो। लेकिन कभी कभी आपके मन में बहुत बहुत दुख बढ़ जाता है। आपके लिए बता दूँ कि जब भी सवेरा होता है, उससे पहले बहुत सा घना अंधेरा होता है। घने अंधेरे से आपको डरना नहीं है, घने अंधेरे के बाद एक
खूबसूरत नया सवेरा होने वाला है। या जिसने भी आपके साथ कुछ गलत किया हो, बुरा किया हो, ईश्वर सब देख रहे हैं। कौन किसके ऊपर अन्याय कर रहा है, ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं और आपको न्याय मिलेगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा घना अंधेरा है, नया सवेरा आपके जीवन में होने वाला है। आई होप आपको लिंक पसंद आई, लाइक एंड सब्सक्राइब। जिन्होंने भी चुना है पाइल नंबर 4, अभी आपके मन में जो भी सवाल है उसका जवाब तो हम जानेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। हो सकता है कि आप ऐसे व्यक्ति हो जो दूसरों को पहचानने में बड़ी गलती कर जाते हो। हो सकता है कि किसी अच्छे व्यक्ति को आप बुरा समझ लेते हो, किसी बुरे व्यक्ति को आप अच्छा समझ लेते हो। जब आप लोगों की पहचान नहीं कर पाते हो तो फिर वही आप ऐसे लोगों को महत्व देना शुरू कर देते हो जो आपके लिए सही नहीं है। ये आपकी आपके लिए बड़ा ही खतरनाक हो सकता है कि आप लोगों को पहचान नहीं पाते हो। कुछ बात यहाँ पर ऐसे हैं कि आप खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। किसी तकलीफ ने जैसे कि आपको अंदर से झंझोड़ के रख दिया है और अब आप खुद के ऊपर ही ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस चला गया है। भी इस वक्त जिस पॉजिटिविटी में आने की आपको ज़रूरत है, लेकिन हो सकता है कि ना आप उस पॉजिटिविटी में आ रहे हो। जब आप खुद के ऊपर ही विश्वास नहीं कर रहे तो दूसरे क्या ही आपके ऊपर विश्वास करेंगे। तो हो सकता है कि आपके आसपास वाले लोग वो भी आपके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कुछ करियर को लेकर भी आप कुछ बोल रहे हो तो उन लोगों का विश्वास नहीं आपके ऊपर कि आप कर पाओगे, क्योंकि आपका खुद के ऊपर विश्वास नहीं है। ये बड़ी दिक्कत यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक न्यू विजन, एक नई शुरुआत करने की आपको ज़रूरत है। आप वो नई शुरुआत कर पाओगे, ठीक है, लेकिन खुद के ऊपर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। जो कुछ भी आप पाना चाहते हो उसके लिए खुद के ऊपर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, जो कि शायद आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपके सवाल का जवाब आपके सामने ही है। आपके सवाल का जवाब यहाँ पर अभी के लिए तो नो आया है। अगर आपका खुद के ऊपर विश्वास है, अपने आप के ऊपर आप ट्रस्ट करते हो, पॉजिटिविटी के साथ अगर आप आगे बढ़ते हो तो आपकी ज़िंदगी की बहुत ब्यूटीफुल नई शुरुआत होने वाली है। कभी कभी कुछ बुरा होता है तो उसमें भी आपकी भलाई होती है, तो अपनी भलाई को पहचानो आप। अगर रिश्तों में कुछ ऐसा है जिस व्यक्ति को आप चाहते हो और हर वक्त आपको इग्नोर कर रहा है, आपकी ज़िंदगी से दूर जा रहा है, तो उसको जाने दो, इसी में आपकी भलाई है। डेफिनेटली आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर देगा। जिस तक से हो गए हो आप, ऐसा हो सकता है आप वही गलतियाँ दोबारा कर रहे हो और वही चीज़ें घटित हो रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। आप जिस भी सिचुएशन में हो, आप बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में हो सकते हो, आपका दिल तोड़ा गया हो, या आप ऐसी कोई सिचुएशन में हो सकता है कि आपका कोई सपना टूट गया है, करियर को लेकर हो सकता है, चाहे जो भी हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि आपके आसपास वाले लोग ठीक नहीं हैं, पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। हो सकता है जिन लोगों को आप अपना मानते हो वो लोग ही आपके अपने नहीं हैं, आपके ही पेट में खंजर खोपते हैं। जो व्यक्ति आज आपके लिए ज़रूरी है, हो सकता है कुछ कालांतर के बाद, कुछ दिनों बाद, कुछ महीने बाद आप खुद इस बात को समझ पाए कि वो इंसान आपके लिए सही नहीं था। ऐसा हो सकता है, ठीक है। अपना नज़रिया चेंज कीजिए। आज आपको बहुत दुख भी होगा कि क्यों आपके साथ हमेशा गलत होता है, क्यों आपकी विश कंप्लीट नहीं होती है। कुछ देरों बाद आपको समझ में आएगा कि ईश्वर ने, यूनिवर्स ने, अगर कोई व्यक्ति है तो वो व्यक्ति आपके ज़िंदगी में क्यों नहीं रखा, क्यों वो आपसे दूर हो गए। इसका कारण आप खुद ही समझ जाओगे और उस दिन आप बहुत हैप्पी होने वाले हो। कुछ हालात ऐसे हैं कि आपके मन के खिलाफ कुछ बातें हो रही हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होने जा रही है। हो सकता है कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी है कि किसी ने आपका दिल तोड़ दिया और अब बहुत जल्द आपकी शादी होने वाली है किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो सच में आपसे प्यार करे, जो ज़िंदगी भर आपका साथ निभाए। और तब आपको एहसास होगा कितना ज़रूरी था आपके लिए ये सब कुछ होना। तो फिर आपको इस बात का एहसास ज़रूर होगा कि यूनिवर्स ने आपके साथ ऐसा क्यों किया। हर जगह पर जैसे कि एक फेलियर सा आपको मिल रहा है, आप परेशान हो रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में सिर्फ अंधकार है। जीवन में जितना ज़्यादा प्रकाश की ज़रूरत है, उतनी ही ज़्यादा अंधकार की भी ज़रूरत है, उतना ही ज़्यादा अंधेरे की भी ज़रूरत है। अगर अंधेरा नहीं आएगा, दुख नहीं आएंगे, तो आप मजबूत नहीं बनेंगे, आप इतनी सहजता से फिर आगे नहीं बढ़ सकते कभी। तो आपके जीवन में जो भी स्ट्रगल है, परेशानियाँ हैं, दुख हैं,
ये हमेशा तो रहने वाला है नहीं, लेकिन इसमें आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। जो लेसन सीखना अभी भी ज़रूरी है ना, किसी को पहचान नहीं पाते हो, अच्छे बुरे का फ़र्क नहीं समझ में आता, ऐसे बहुत सारे लेसन अब आप सीखने वाले हो। ये समय आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत पावरफुल समय है आपके लिए। जितना अंधेरा आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, उतने ही उजाले से आपकी ज़िंदगी भर जाएगी। यकीन रखिए, ऊपर वाले के ऊपर भी रखिए, अपने आप के ऊपर ट्रस्ट कीजिए कि आप इस हालात से बाहर भी निकलोगे और आप एक नई ज़िंदगी की शुरुआत भी करोगे। आप इस दर्द से, इस तकलीफ से लेट गो भी करोगे। थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए।